व संक्रमित बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस बार भी दुर्ग केंद्रीय जेल में राखी के पर्व का माहौल नजर नहीं आया। अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधने का सपना अधूरा रह गया, मगर जेल प्रशासन द्वारा इसमें पहल करते हुए डाक द्वारा या फिर जेल के गेट के पास रखी पेटी में राखी जमा करा अपने भाइयों के पास भिजवाने की व्यवस्था की है। दुर्ग केंद्रीय जेल में इस वर्ष भी बहनों को जेल में निरुद्ध भाइयों को राखी बांधने का अवसर नहीं मिल पाया। जेल प्रशासन ने कोरोना व संक्रमित बीमारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बहनों को राखी बांधने की इजाजत नहीं दी, जिससे भाइयों के हाथों में राखी बांधने का ख्वाब लिए पहुंची बहनें उदास नजर आई। वही जेल प्रशासन द्वारा इस पर्व का महत्व बहनों के प्यार को देखते हुए इसमें पहल कर डाक द्वारा या फिर जेल के मेन गेट में बैठे सिपाहियों के पास राखी जमा करा अपने अपने भाइयों के पास भिजवा रही है। वही प्रशासन लिफाफा बंद राखियों को बंदियों तक पहुँचा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग केंद्रीय जेल में गुरुवार को जेल के मेन गेट पर जेल में निरुद्ध भाइयों को राखी भिजवाने दूर दराज से भी बहने व उनके परिजन पहुंचे थे। रक्षाबंधन के अवसर पर जो है बंदियों को उनकी बहनों से तथा महिला बंदियों को उनके भाइयों से संपर्क स्थापित करने के लिए जेल में दो तरह की व्यवस्थाएं की गई है। इस बार एक जो है हमने टेलीफोन कॉल की सुविधा जो है उसको बढ़ाया है, साथ ही जो है वीडियो कॉल की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई है। इसके अतिरिक्त जो है पुरुष बंदियों की बहनें यदि राखी जो है पिछले एक सप्ताह में उन लोगों को बॉक्स में यहाँ पे रखा गया था जिसमें उनके द्वारा डाला गया है, तो वो उनको उपलब्ध कराया गया है। साथ ही आज भी जो बहनें लेके आ रही हैं तो वो कलेक्ट करके उनको प्रदाय किया जा रहा है। इसके अलावा जो है महिला बंदियों के भाइयों को राखी भेजने के लिए हमने करीब 10 दिन करीब पहले जो है उनके द्वारा बनाई गई राखियाँ जो है जेल प्रशासन के माध्यम से उनके भाइयों को डाक से भेजा गया है। क्या है ये विगत 3 वर्षों से ये व्यवस्थाएँ नहीं हुई है, जिसमें क्या है इसमें ये पूरे राज्य में जो है इस बार भी जो है अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो इसमें अभी जो कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों की संभावना भी है, तो इन कारणों से जो है इसको अनुमति नहीं है। इस संबंध में न्यूज टीम को जेल अधीक्षक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।